अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे चिकन शवरमा समोली में। आइए देखते हैं चिकन शवरमा समोली में बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और इसे कैसे बनाते हैं, देखते हैं। देखिए, हमने रेडीमेड समोली लिया है चार, और हमने लिया है बोनलेस चिकन हाफ के जी। इसे हमने चार पानी से अच्छे से विनीगर डाल के वॉश कर लिया है। और हमने लिया है 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। अब हम लेंगे एक बोल, उसमें ऐड करेंगे चिकन। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, लाल मिर्च पाउडर, अब हम इसमें ऐड करेंगे दही, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से मिक्स कर लिए। अब हम इसे 10 टू 20 मिनट्स के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। देखिए, चिकन मैरिनेट हो रहा है, जब तक अब हम मेयोनीज बना लेंगे। उसके लिए अब हम लेंगे एक अंडा, 1/2 टीस्पून शक्कर, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर, 4 लहसुन की कलियां और 5 टेबलस्पून तेल। देखिए, अब हम मिक्सचर जार लेंगे, उसमें ऐड करेंगे अंडा, ऐड करेंगे, अब हम इसमें ऐड करेंगे शक्कर, नमक, काली मिर्ची पाउडर और लहसुन की कलियां। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। देखिए, अब हम थोड़ा थोड़ा तेल ऐड करेंगे और इसे ग्राइंड करते जाएंगे। देखिए, मेयोनीज बनके रेडी है। अब हम मेयोनीज एक बोल में निकाल लेंगे। देखिए, मेयोनीज की कंसिस्टेंसी कितनी रहनी चाहिए। देखिए, 10 टू 20 मिनट्स हो गए हैं, चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब हम इसे रोस्ट कर लेंगे। देखिए, चिकन रोस्ट करने के लिए हमने पैन रख लिया है चूल्हे पर। अब हम इस पे ऐड करेंगे बटर, एक बटर की टिक्की ऐड कर लेंगे। बटर को इस तरीके से मेल्ट कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून ऑयल ऐड कर लेंगे। अब हम चिकन ऐड कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से डाल लेंगे चिकन। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट तक पका लेंगे। देखिए, मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे टर्न कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से टर्न कर लीजिए। अब हम मीडियम फ्लेम पे दूसरी साइड 1 मिनट तक पका लेंगे। देखिए, मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट हो गए हैं। अब हम दूसरी साइड भी टर्न कर लिए। इस तरीके से अब हम अलट पलट करके मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। ये देखिए, चिकन अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए, अब हम दूसरे बैच के लिए बटर ऐड करेंगे। ये वही बटर है जो फर्स्ट टाइम मेल्ट करके रख लिए थे। अब हम चिकन के पीसेस ऐड करेंगे रोस्ट करने के लिए। इसी तरीके से अब हम सारा चिकन, मैरिनेटेड चिकन रोस्ट कर लेंगे और इसे चॉपर बोर्ड पे पीसेस बनाकर
समोली में फिल कर लेंगे शवरमे के लिए। ये देखिए सारा चिकन रोस्ट हो गया है। अब हम इस चिकन को चॉप कर लेंगे। देखिए इस तरीके से चॉप कर लेंगे। अब हम सारा चिकन रोस्टेड चिकन इस तरीके से चॉप कर लेंगे। ये देखिए चिकन अच्छे से चॉप हो गया है। और हमने लिया है एक छोटा सा टमाटर, इसे हमने चॉप कर लिया है, और बारीक कटी हुई कोथमीर। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। पहले चिकन लेंगे, कोथमीर और चॉप कर लिए सो टमाटे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स कर लिए। अब हम समोली लेंगे। देखिए इस तरीके से सेंटर से कट कर लेंगे। अब हम इसमें मेयोनीज अप्लाई करेंगे। देखिए इस तरीके से मेयोनीज अप्लाई कर लीजिए। अब हम चिकन लेंगे और इसमें फिल कर लेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने सप्लाई कर लीजिए। अब हम इसे एक प्लेट में रख लेंगे। ये दूसरी समोली लेंगे, इस तरीके से सेंटर से कट कर लेंगे। अब हम मैंने सप्लाई कर लेंगे। अब हम चिकन फिल कर लेंगे। और मैंने इसे अप्लाई कर लेंगे साइड से। अब हम इसे एक प्लेट में रख लेंगे। देखिए चिकन शवरमा समोली में सर्व करने के लिए रेडी है। चिकन शवरमा समोली में सर्व हो चुका है। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार बना है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसे आप स्नैक्स में बना सकते हैं, आप इस तरीके से ज़रूर बनाइए। बहुत आसान तरीका है, एक बार ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।